नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। एएनबी न्यूज आपको चुनाव जीतने का हिट फार्मूला पहले ही बता चुका है, तो अब बारी इस फार्मूले को अपनाने की थी, तो मौके पर चौका मारा है ओडिशी बीजेपी ने। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। इस चुनावी मौसम में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, मतलब कि चुनाव जीतना चाहते हैं, तो आपको बस एक काम करना है और वो ये कि गरीबों और मजलूमों की बात करनी है, उनके जख्मों पर जो कि आपके ही दिए हुए हैं उन पर मरहम रखना है, और साथ ही कर्ज और बर्बादी से जूझ रहे किसानों का कर्जा माफ करना है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में ये तरीका एक हिट फार्मूला बन के उभरा है। अगर यकीन ना हो तो आप आंकड़े देख सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आजकल हर मंच से प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे रहे हैं कि अगर है दम तो किसानों का कर्जा माफ करो, और जब तक आप ऐसा नहीं कर देते हम आपको सोने नहीं देंगे। अब भाई, नींद किसको प्यारी नहीं है। केंद्र सरकार ने तो नहीं, लेकिन ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष ने तो इसका ऐलान खुलेआम कर दिया कि अगर हमारी 2019 में ओडिशा में सरकार बनती है तो हम आपका किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। यहां पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओडिशा की 147 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के केवल 9 विधायक हैं, और सरकार बनाने के लिए अगर जरूरी 74 सदस्य चाहिए तो जनता को कुछ ना कुछ तो लॉलीपॉप पकड़ाना होगा। और अब आज की तारीख में जबकि किसानों की कर्ज माफी सबसे हिट फार्मूला बन चुका है, तो कर दो घोषणा, क्या जा रहा है। वैसे बीजेपी यहां भी एक चूक कर गई, क्योंकि राहुल गांधी जब पूरे देश के किसानों का लोन माफ करने की बात कर रहे हैं तो भला ओडिशा को कैसे छोड़ देते। ओडिशा के कांग्रेस चीफ निरंजन पटनायक पहले ही कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों के लोन माफ करने की बात कह चुके हैं। इतना ही नहीं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्रीकांत जैना ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से किसानों का लोन तत्काल माफ करने की मांग कर चुके हैं, और करें भी क्यों ना, आखिरकार ओडिशा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही विपक्ष में हैं, और कम से कम ओडिशा में तो कांग्रेस सीटों के मामले में बीजेपी से सीनियर है। यहां कांग्रेस के विधानसभा में 16 सदस्य हैं, लेकिन अब राजनीति तो करनी ही है, तो चलो इसी बहाने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को तो नहीं, कम से कम ओडिशा बीजेपी नेताओं को तो किसानों का ख्याल आया। वैसे ओडिशा में बीजेपी की ये सारी कवायद बीजू पटनायक के उस ऐलान के बाद हो रही है जिसमें उन्होंने 8 जनवरी को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के लिए संसद का घेराव करने की घोषणा की है। तो ऐसे में अब ओडिशा बीजेपी को भी कुछ ना कुछ तो करना ही है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।